नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चालाक चीन है जो भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल को हड़पने में लगा हुआ है। जी हां, 23 साल बाद किसी चीनी राष्ट्रपति का नेपाल दौरा यूं ही नहीं था। असल में नेपाल को अपनी मुट्ठी में करने के लिए शी जिनपिंग की सरकार है, जिसने पहले तो कई अहम समझौते किए, उसके बाद कहें कि विकास के नाम पर 23 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया और अब सड़क निर्माण के बहाने नेपाल की जमीन पर कब्जा जमाना चाहता है चीन, जिसका खुलासा खुद नेपाल की मीडिया ने किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते कद को देख चालाक चीन चिढ़ा हुआ है। अपने विस्तारवादी सोच से मजबूर जिनपिंग सरकार है जो भारत के पड़ोसी मुल्कों पर कब्जा कर रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान का कण कण ड्रैगन के कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। अवाम में भुखमरी है और गरीबी फैली हुई है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई सातवें आसमान पर है और वजीर आजम इमरान खान है जो हाथ में कटोरा लिए जब देखो चीन भाग जाते हैं। पाकिस्तान के बाद अब लगता है नेपाल की बारी है। तभी तो जिस नेपाल में चीन कभी दिलचस्पी नहीं दिखाता था, आज वहां विकास के नाम पर करोड़ों रुपए लुटा रहा है। 23 साल बाद किसी चीनी राष्ट्रपति ने नेपाल की सरजमीं पर कदम रखा। अपने 2 दिवसीय दौरे पर शी जिनपिंग की सरकार ने नेपाल के साथ 18 अहम समझौते किए। विकास के नाम पर 56 अरब नेपाली रुपए यानी कि 350 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। लेकिन अब लगता है कि चीन का यही विकास अब नेपालियों को भारी पड़ रहा है। तभी तो नेपाली मीडिया के गलियारों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है कि चालाक ड्रैगन नेपाल को हड़प रहा है। असल में आर्थिक गलियारा शी जिनपिंग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और चीन के इस महत्वाकांक्षी योजना को जब भारत ने ठेंगा दिखा दिया तो चालाक चीन ने नेपाल को अपना सहारा बना लिया और यही वजह है कि अब चालाक चीन सड़क निर्माण की आड़ में कहीं ना कहीं वो अब नेपाल की जमीन पर कब्जा जमा रहा है। देखिए, नेपाल के सर्वे विभाग की माने तो चीन तिब्बत में चल रही सड़क निर्माण परियोजना के बहाने नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है, जिसके चलते नेपाल अपनी कई हेक्टेयर जमीन भी गंवा चुका है। नेपाली मीडिया में प्रकाशित सर्वे विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 4 जिलों सनखुआ साभा, रसुआ सिंधु पर चौक और हुमला की 23 हेक्टेयर जमीन चीन सीमा से लगती है। तिब्बत के फुरंग इलाके से सटे हुमला जिले की भागदर नदी की करीब 6 हेक्टेयर और करनाली जिले की 4 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने अतिक्रमण कर लिया है। रुसवा जिले में संजेन नदी और जम्बू खोला की भी जमीन तिब्बती इलाके में शामिल कर ली गई है। सिंधु पर चौक जिले के भटकोशी व खरेन खोला की 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन और सनखुआ साभा जिले की 9 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने सड़क विस्तार के जरिए अतिक्रमण कर लिया है। तो देखा आपने चीन की खैरात को देख, जहां नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जहां एक चीन नीति का नारा बुलंद कर रही है, तो वहीं चालाक चीन है जो सड़क निर्माण की आड़ में अब नेपाल की जमीन पर भी कब्जा कर रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।